साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है। बिजली क्यों गई लोग ये नहीं सोचते थे, उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है। उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि बगल वाले के यहां भी बिजली गई है या नहीं है। साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसा मऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी।